हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम आपकी पर्सनैलिटी का एक आईना होता है? आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उसके ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी और नेचर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी राशि के अनुसार एक अलग नाम होता है जो उसके जन्म लेने के बाद से ही उसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसीलिए जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है जो पूरे जीवन काल में उसकी एक अलग पहचान बन जाता है। तो आज हम वास्तु ज्ञान में आपको बताएंगे कि एल नाम वाले लोग कैसे होते हैं। एल अंग्रेजी का 12वां लेटर है। आपके आसपास और आपके मित्रों या संबंधियों में अनेक लोग ऐसे होंगे जिनका नाम एल लेटर से शुरू होता है। तो आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में। जिस लड़के या लड़की का नाम एल लेटर से शुरू होता है वे बहुत ही प्यारे होते हैं। चूंकि एल का मतलब ही प्यार यानी लव होता है, इसीलिए इस नाम के लोगों पर इसका असर दिखता है। प्यार रोमांस ही इनके लिए सब कुछ होता है। हर चीज़ दिल से सोचने वाले इस नाम के लोग रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। किसी तकलीफ में पड़े व्यक्ति से सहानुभूति होती है जो प्यार में बदल जाती है। इन्हें बहुत ज़्यादा पाने की तमन्ना नहीं होती बल्कि छोटी मोटी खुशियों से ही ये खुश रहते हैं। पैसों को लेकर समस्या बनती है लेकिन किसी न किसी रास्ते इन्हें हल भी मिल जाता है। आप गंभीर, आकर्षक और सपने देखने वाले होते हैं। ये लोग जानबूझकर अपने आप को कल्पना से बहलाए रखना पसंद करते हैं। इनकी काल्पनिक दुनिया फिल्मों और किताबों से प्रेरित होती है। लेकिन हाँ, इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन इनके गुस्से पर भोलेनाथ की कृपा रहती है, इसीलिए इनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है। ये लोग खुद पे भरोसा रखने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें लोग भी पसंद करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस नाम के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया है कि एल नाम वाले लोग स्वभाव से कैसे होते हैं। अगर आपका या आपके किसी मित्र या संबंधी का नाम एल लेटर से शुरू होता है तो उनसे हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।